नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। साल भर होने को आया है, हो चुका है, बल्कि कोविड के मामले में बढ़ोतरी होती जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो परिवारजन बैठे हैं, जो कोविड के मरीज हैं, जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए एडमिट हुए हैं, उनके परिवारजन आज यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। वो लगातार महीना हो गया, दो महीने लगातार यहीं पे है, खाना पीना सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर रात कैसे गुजारते होंगे। आइए हम इनसे पूछते हैं। मैडम, आप यहाँ पर कितने दिनों से यहाँ पर हो? कल रात से 12 बजे से आई हूँ। हाँ। तो उधर भर्ती किया है 5 नंबर फ्लोर पे। हाँ, कोविड पे कौन पॉजिटिव है? कौन है आपका यहाँ पे? आपका हस्बैंड है? अच्छा, तो सास का है प्रॉब्लम, तो उधर ही रखे है। हाँ हाँ, आपका नाम बताइए। कमला। तो आप यहाँ पे रात में यही रहते हो? हाँ, कुछ कोई लोग इधर सोता है, कोई लोग उधर सोता तो है। तो नहाना खाना पीना ये सब कैसे मैनेज करते हो? तो वो लोग लाता है सुबह बांटने के लिए एक पानी का बोतल, एनजीओ वाले आते हैं। हाँ, हाँ। और खाना तो रात को यही सो जाते हो? हाँ, खुले में। खुला में कोई मच्छरदानी लगा के सोता है, कोई ऐसा सो जाता है, कोई अंदर सो जाता है। जिधर कब तक आपके हस्बैंड को यहाँ से छोड़ेंगे, कुछ डिस्चार्ज करेंगे? कुछ पता ही नहीं चल रहा है मैडम, खाली बोल रहे हैं कि सही है सही है, कुछ उधर से कुछ ठीक है, आइए नहीं आ रहा। आइए हम किसी और से नहीं पूछ। आइए, यहाँ भी कुछ लोग यहाँ पे उपस्थित है, बैठे लगातार 5-6 दिन 7 दिन हफ्ते भर से बैठे हैं, और यहाँ पे भी इनकी कुछ मुश्किलें हैं, जानते हैं इनसे, इनके शब्दों में जानते हैं। सर, आपका नाम जरा बताइए। जी, आप यहाँ पे कितने दिन से बैठे हो? 5 दिन। आप कहाँ से आए हो? हरलाव। और आपके यहाँ पे कौन एडमिट है? मेरा लड़का। क्या हुआ है उसको? अच्छा, कोविड के लिए, कोविड में एडमिट है वो। हाँ। कोरोना में? कोरोना। तो कितना आपको यहाँ पे कुछ रहने की व्यवस्था नहीं की गई आपके लिए? खाना पीना कैसे मैनेज करते हो आप? तो लगातार 5 दिन से यहीं पे हो? 5 दिन से आप यहाँ से कहीं गए नहीं हो? आपका सोना कैसे मैनेज कर सकते? सोते कहाँ हो? यहीं पे सर। तो आपको कोई डर नहीं लगता कुछ कुछ भी कीड़ा कुछ भी से काट लेगा? जी सर, आपका नाम बताइए। महेंद्र भाई। आप कहाँ से हो? धर्मपुर फंडा से। तो आप कितने दिन से यहाँ पर हो? 8 दिन से। आपका कौन यहाँ पे रिश्तेदार एडमिट है? मेरा फादर। फादर एडमिट है। तो आपको कितना समय यहाँ पे, 7-8 दिन यहाँ पे हो गए आपको? हाँ। आपको कोई सुविधा नहीं दी गई? आपको किसी ने पूछने भी कोई नहीं आया? किसी ने बताया भी नहीं। बताया भी नहीं? आपको ये पता है कि यहाँ पे रहने बसने की सुविधा मिल रही है? ये किसी ने बताया नहीं कि हम इधर सोते हैं। आपने किसी से पूछने की ये दरकार बताई आपने? किसी से पूछा नहीं, सब इधर सो रहे हैं, इधर सो रहे हैं। जी सर, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम कमलेश कुमार अर्जुन भाई पटेल। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं खेरगाम तालुका से। अच्छा। काकड़वीरी गांव से। जी जी जी, खेरगाम तो नवसारी जिले में लगता है। नवसारी जिले में। जी, तो यहाँ पर आपका कौन यहाँ पे एडमिट है? मेरा फादर, बापूजी। अच्छा, तो कोविड में एडमिट है? हाँ, कोविड में। तो आप यहाँ पे कितने दिन से यहाँ पर हो? मैं 30 तारीख से यहाँ पे एडमिट हूँ। 30 मतलब 30 अप्रैल से? हाँ, वो भी गया 30 तारीख। हाँ जी, उधर से 6 तारीख, इतनी 7 दिन हो गया है। 6-7 दिन हुआ। हाँ, आप रात को यही रहते हो? रात को जब तक इधर, आधी रात तक इधर रहते हैं। हाँ। बाद में अच्छा मच्छर ज्यादा लग जाता है, ठंडी। हाँ। लगता है। तो खाना पीना नहाना वो सब? खाना पीना का तो इधर सब सोल्यूशन हो जाता है। हाँ, सब आता है। हाँ। सस्ता वाला। तो आप लोगों ने कुछ डिस्कस नहीं किया मैनेजमेंट से, अमित सर से डिस्कस नहीं किया कि हम लोग यहाँ पे इतने दिनों से रह रहे हैं, हमारे लिए भी कोई सुविधा कर दी जाए? ऐसा तो डिस्कस कुछ किया नहीं है। हाँ। लेकिन इधर सब लोग आता है, वो खाना पीना देते। आपको पता है यहाँ पे रैन बसेरा भी ऑलरेडी बना हुआ है ऐसे लोगों के लिए जिनके पास छत नहीं है, ये बात आपको मालूम है? नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा कुछ मालूम नहीं हमको। आपको किसी ने बताया कि यहाँ पे रैन बसेरा? यहाँ पे भी कुछ महिलाएं बैठे हैं, वही मुश्किल उनके सामने भी है। लगातार ये महिलाएं कितने दिनों से बैठे हैं जानते हैं? मैडम, आपका नाम बता दीजिए। कितने दिनों से आप यहाँ पर हो? मैं 17 दिन हो गया। 17 दिन? 17 दिन हो गया यहीं पे लगातार? 20 तारीख आए हैं। लगातार यहीं पे हो? कौन एडमिट है आपका? हस्बैंड। क्या हुआ है उनको? उनको वैक्सीन लगा तो ही लिया था। वैक्सीन लिया था? हाँ, कोविड का वैक्सीन लिया था। हाँ, कोरोना का। हाँ हाँ। उसके बाद 2 दिन के बाद बुखार आया तो धीरे धीरे उसको खाना ही कंट्रोल नहीं हो रहा है, खाना नहीं खा जा रहा। डॉक्टर का दवा, जो डॉक्टर को दिखाया 2-3 बार खाली दवाई तो पैसा लिया, ठीक नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होने लगा। वैक्सीन लेने के बाद भी दिक्कत हो गई? हाँ। वैक्सीन के दोनों डोज ले लिया? एक लिया था। एक डोज लिया था? हाँ। अच्छा, 6 तारीख को? 6 तारीख को, 6 मार्च को या 6 अप्रैल को? अप्रैल। 6 अप्रैल को लिया था, एक डोज लिया था। हाँ। उसके बाद कब आपने यहाँ पे एडमिट? 20 तारीख को एडमिट किया। अच्छा, अगले महीने में 20। हाँ हाँ हाँ। आप कहाँ से हो? मैं
मैं तो शिल्पा का यहाँ पे दादरा में रहती हूँ। दादरा में रहते हो जी, तो तब से आप 17 दिन से यहीं पे, 17 दिन हो गए आपको? हाँ 17 दिन। तो रात को आप यहीं सो जाते हो? 20 तारीख है, कितना तारीख है, 6 तारीख हो जी। बिल्कुल बिल्कुल, 17 दिन हो गए आप लगातार रात को भी यहीं सो जाते हो आप? अंदर जाते हैं रात में 8 बजे 9 बजे अंदर जाते हैं। हाँ अंदर जाते। तो अभी डॉक्टर क्या कह रहे हैं आपके हस्बैंड के लिए? वो बोल रहे हैं कि अभी ऑक्सीजन चढ़ा रहे हैं, चालू किए हैं जी। 6 नंबर से 4 नंबर पे जी। जी आपका नाम बताइए मैडम, आपके यहाँ पे कौन एडमिट है? मेरे हस्बैंड। उनको क्या हुआ है? वही खांसी सर्दी था, बुखार था। कोविड था क्या? कोविड, कोरोना पॉजिटिव? वो तो अभी नहीं, रिपोर्ट नहीं दिए। अच्छा, आए 10 दिन हो गए। आप 10 दिन से यही हो, बैठे हो 10 दिन से बैठे हो? किस प्रकार से हमने देखा है कि महिला होने के बावजूद भी यहाँ पे सरकार की सुविधा होने के बावजूद भी यहाँ पे महिलाएं, पुरुष महिलाएं दोनों यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे गुजारा करना, 17 दिन कुछ कम नहीं होता है। पता की सुविधा, विश्व सुविधा होने के बावजूद किसी को आज इतना तक नहीं किया गया, ना पता किसी को है क्यों यहाँ पे लोग इस तरह से आज अपने जिंदगी दाव पे लगा रहे हैं। क्या यहाँ पे इस तरह से लोग फैलने से कोरोना के संक्रमण नहीं फैलेगा क्या? यहाँ 17 दिन तक, यहाँ पे 18 दिन तक यहाँ पे लोग यहाँ पे रह रहे हैं अपनी जान की परवाह न करते हुए। क्या सुविधा होने के बावजूद भी यहाँ किसी को पता तक नहीं है? लेकिन विशाल गुप्ता जैसे हमारे पास एक ऐसे बंदे हैं जिसने सकारात्मक कदम उठाया है और उन्होंने ये इन लोगों के लिए भी उन्होंने सोचा है जो रिश्तेदार यहाँ पे, जो मरीजों के यहाँ पे जो पड़े रहते हैं, यहाँ पे इस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, 10 दिन 18 दिन कुछ कम नहीं होता है। रैन बसेरा एक ऐसी जगह है जिसके पास छत नहीं है रहने को। यहाँ पे सिविल में रैन बसेरा एक जगह ऐसी बनाई गई, लेकिन अभी तो लोगों को ये बात मालूम ही नहीं है। आइए हम बात करते हैं विशाल गुप्ता जी से, जिन्होंने ये खोज निकाला, ये ढूंढ निकाला है। रैन बसेरा एक ऐसी जगह, सरकार की बनाई हुई जगह है जहाँ पे जिसके पास छत नहीं है रहने को, वो यहाँ पर आकर रह सकता है। बात करते हैं रैन बसेरा का, ये क्या मामला है, आइए सुनते पूरा विवरण जानते हैं। विशाल जी आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। रैन बसेरा क्या मुद्दा है ये? एक्चुअली क्या है कि किसी भी शहर में नगर पालिका की तरफ से रहने के लिए कुछ स्थान बनाया जाता है, जैसे होटल होता है जी, वैसे ही गवर्नमेंट होटल समझ लीजिए, यहाँ पे फ्री में जिसके निशुल्क पास होता है ये। हाँ निःशुल्क होता है, जहाँ पे किसी के पास रहने के लिए सर पे छत नहीं है तो वहाँ पे वो रह सकता है, वहाँ पे रहना और खाना लगभग फ्री होता है जी, फ्री के बराबर जी। और अभी हमारा पास ये है कि सिविल के पास ही हमारे पास रैन बसेरा है जी, तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी टाइम से यहाँ पे जो लोग पेशेंट्स के सगे वाले आते हैं यहीं पे रुकते, कोई उमरगांव से आ रहा है, कोई दानोद से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और पूरे दिन में धूप में लोग यहीं पे होते हैं, कोई रात यहीं पे बाहर होते हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो उनके रुकने के लिए हम सोच रहे कैसे करें कैसे करें। इतने भी अमित जी से हमारी बात हुई थी सर से जी, और वी सर्च आउट की रैन बसेरा इज देयर, हाँ। तो रैन बसेरा इनको यहाँ रहने का कर सकते हैं, वहाँ उनको नहाना धोना। साल भर हो चुका है कोविड को आए हुए, साल भर तक अब लोग यहीं पे रह रहे हैं, साल भर में किसी ने भी ये प्रावधान नहीं लिया, जिम्मेदारी नहीं उठाई आपके अलावा कि रैन बसेरा बना हुआ है हमारे शहर में नगरपालिका की तरफ से, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे इस तरह से तकलीफों में आ रहे हैं, किसी ने भी कदम नहीं उठाया, सकारात्मक कदम जो आपने उठाया है, ऐसा क्यों? सच बताऊँ तो मुझे भी रैन बसेरा बलसाड़ में है पता ही नहीं था, लेकिन जब मैंने प्रस्तावना की अमित जी के साथ मुझे इनके कुछ करना है, क्योंकि इतने सारे मेरे भाई बहन लोग जो है बाहर रहते हैं, पूरे धूप में रहते हैं या रात को अकेले रहते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? मुझे जगह दीजिए, वहाँ पे मैं टेंट बना दूंगा जी, या तो मुझे हॉल दे दीजिए जी, वहाँ पे सारी सुविधाएं हम लोग कैसे भी करके करेंगे। तो बात करते करते समझ में आया कि आप रैन बसेरा करके चीज़ है जो कर सकते हैं, तो आज ही मैंने कलेक्टर में जाकर के अपने एन रावत जी को मैंने, आपके पास वो एप्लीकेशन है? हाँ बिल्कुल, तो कैमरा के सामने आप दिखाइए एप्लीकेशन। बिल्कुल बिल्कुल, रिसीविंग दिखा देता हूँ मैं आपको सीधा। जी जी बिल्कुल, देखिए आज ही मैंने कलेक्टर जी को लेटर भी दे दिया है पूरा जी, तो उनको भी अच्छा लगा ये बात सुन करके हाँ। कि वहाँ पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हमने बताया सर आप खाली रहने की परमिशन दे दीजिए, वहाँ सफाई से लेकर सारी चीज़ें अगर सरकार कर सकती है वेल एंड गुड, अदरवाइज हमारे एनजीओ कर लेगी जी, लेकिन हमारे जो ये बच्चे हैं या भाई बहन है वो धूप में ना रहे इस तरह या खुले में ना रहे जी। दूसरा क्या है कि अगर इसे खुले में रहते हैं तो ये कितना डिस्टेंस मेंटेन कर पाते हैं कुछ पता नहीं है जी, कोरोना डबल फैल सकता है इनके कारण जी, बिल्कुल है ना जी, हाँ तो इनकी दिक्कतें भी सॉल्व हो जाएगी और कोरोना भी कम फैलेगा जी, इसलिए हमने ये प्रावधान के लिए लाभ उठाने की कोशिश की है। अब कलेक्टर की ओर से आज ही मैंने इनको दिया है, तो मीटिंग में शायद फाइनल हो भी जाएगा या जो भी है जी। दर्शक आप जरा जरूर गौर फरमाइएगा, दर्शक मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, रैन बसेरा की सुविधा सरकार की तरफ से दी गई, निःशुल्क सुविधा दी गई है, इसके पास सर पे छत नहीं है, वो यहाँ पे निःशुल्क खाना पीना के साथ वहाँ पे रह सकते हैं। और हम लोग ने सबसे ज्यादा बात करी है यहाँ पे, जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं, यहाँ पे ना उनके पास छत है, पेड़ के नीचे वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं,
और यही लोग वे लोग हैं जिनके रिश्तेदार कोविड में एडमिट है, सिविल में एडमिट है, कहीं ना कहीं उनके मरीज, उनके रिश्तेदार मरीज बनकर एडमिट है। उसके बावजूद भी यहाँ पे सुविधा होने के बाद साल भर हो चुका है कोविड को आए हुए, फिर भी यहाँ पे किसी को भी ये बात मालूम नहीं है कि यहाँ पे निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। लेकिन हमारे विशाल गुप्ता जी ने आज सकारात्मक कदम लिया है, बाकी काबिले तारीफ है। आइए दिखाते हैं रैन बसेरा। रैन बसेरा वो जगह है, हर जिले में रैन बसेरा होता है। रैन बसेरा निशुल्क जगह है, जिसके पास सर पे छत नहीं है उनके लिए रैन बसेरा बनाया गया है। जैसे हमने अभी अभी देखा है सिविल में जो मरीज यहाँ पे एडमिट है, अपना चिकित्सा करा रहे हैं, उनके जो रिश्तेदार है यहाँ पे 17 दिन 18 दिन लगातार यहाँ पे महीने भर से लगातार यहाँ पे रह रहे हैं, जिनके पास कोई छत नहीं है, तो वो भी यहाँ के इस जगह का सुविधा ले सकते हैं। फिलहाल विशाल जी आइए हमारे साथ उपस्थित है, विशाल गुप्ता जी, उन्होंने ऐसे रिश्तेदारों के लिए जिनके जो रिश्तेदार है जो कोविड में एडमिट है या सिविल में एडमिट है, जो लगातार यहाँ पे रात भर बिना छत के यहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए विशाल गुप्ता जी ने एक लेटर, एक आवेदन पत्र दाखिल किया है एडिशनल कलेक्टर जी के साथ। आइए पूछते पूरा विवरण क्या है ये रैन बसेरा का माजरा। विशाल जी बताइए। देखिए, हर किसी बड़ी सिटी में या महानगरपालिका के अंदर जिनके सर पे छत नहीं है उनके रहने के लिए या खाने की व्यवस्था के लिए रैन बसेरा होता है जी। जहाँ पे या तो कोई आप किसी बाहर सिटी से आए हो तो भी आपको रुकने की व्यवस्था होती है जी। निःशुल्क या थोड़े बहुत पैसे लेके आपको रुकाया जाता है, 20 रुपया 30 रुपया कुछ भी हो सकता है जी। अपने यहाँ पे रैन बसेरा निःशुल्क है जी। और जहाँ तक ये अपने सिविल में ही अवेलेबल है, जहाँ आप देख सकते हो रैन बसेरा जी, है ना जी। तो ये है कि काफी सारे लोग 200 से भी ज्यादा होंगे या 250-300 लोग होंगे जो उनके पेशेंट्स या सगे वाले एडमिट है यहाँ पे एज ए कोविड में, तो वो लोग बेचारे घर नहीं जा पा रहे हैं। कोई उमरगांव से है, कोई कपराड़ा से है, कोई धर्मपुर से है, कोई दूर से आया हुआ है जी। तो वो पूरे दिन धूप में रुकते हैं बाहर, रात को बाहर ही रुकते हैं खुले में, उनके रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, नहाने की कोई व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट बाथरूम तक जाने के लिए भी दिक्कत हो रही है उनको। यहाँ पे है वो जाके आते हैं लेकिन नहा तो नहीं पाते। तो रैन बसेरा इज अ गेस्ट हाउस समझ लीजिए, एक सरकारी गेस्ट हाउस ही है जहाँ पे आराम से आप रुक सकते हो, नहा सकते हो, आप जो भी टेक कर सकते हो। तो वही व्यवस्था इनको मिले इसके लिए मैंने कलेक्टर जी को आज आवेदन पत्र दिया हुआ है और उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग में ले लेता हूँ और पॉजिटिवली आपको ये हो जाएगा जी। और उसका जो भी टेक केयर करना होगा, हमने भी कहा कि सर बीइंग अ एनजीओ अगर आपके पास मैन पावर की कमी भी होगी, कुछ भी होगा, तो हम लोग टेक केयर करेंगे जी। आप खाली ये रैन बसेरा इनके लिए खोल दीजिए बस। विशाल जी, सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पे खड़ा होता है वो ये सवाल खड़ा, साल भर हो चुका है कोविड को आए हुए हमारे देश में और वलसाड़ में ऐसे पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी ये कदम नहीं उठाया है, ना किसी ने उनके बारे में सोचा है, लेकिन आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति मुझे दिखे जिन्होंने ऐसे मरीजों के रिश्तेदारों के लिए भी सोचा है आपने। तो इसके पहले भी तो बहुत लोग आए थे, तो क्या वलसाड़ के पूरे नागरिक में किसी को भी ये पता नहीं था कि रैन बसेरा का कोई सुविधा है? देखिए, ये सुविधा है, होती है, मुझे पता था, लेकिन यहाँ पे है मैं पता नहीं था जी। और यहाँ पे आकर के जब मैंने कोविड में सेवा देना चालू किया तब जाके मुझे समझ में आया कि इतने सारे लोग बाहर रुकते हैं, उनकी कोई सुविधा नहीं। कितना समय हो गया है कोविड में सेवा देते हुए? करीबन 22-25 दिन होने का है मुझे, महीना भर हुआ नहीं है। दर्शक, आप जरूर इस पे नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि विशाल गुप्ता जैसे लोग अगर और जुड़ जाए ऐसे सेवा कार्य के अंदर, सिर्फ 25 दिन ही हुआ है इस सेवा देते हुए, उसके अंदर उन्होंने इनके बारे में सोच लिया है जो रिश्तेदार यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे रह रहे हैं। ऐसे लोगों का जुड़ना, हमारे साथ जुड़ना, आप सामने आए, आगे आए और ऐसे महामारी के समय पर आप हम सबका साथ दें, हमें ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों का जानकारी जरूर दीजिए। हमारा फोन नंबर अब से स्क्रॉल पे भी आता रहेगा, हमें आप जब जरूरत हो हमें कॉल जरूर कीजिएगा, आपके लिए 24 घंटा हम उपलब्ध रहेंगे। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य वलसाड़ से, कैमरामैन पवन कुमार के साथ।